और ये बना है राउंड टू ऑफ दाल गोश। सो मैं ऑलमोस्ट दादा को अपनी हर रेसिपी सिखा चुकी हूँ। बिरयानी सिखा दी, मटन चिकन कोरमा सिखा दिया, अचारी मटन भी अभी दादा को पता है। और आज हमने दाल गोश्त बनाया और एक ही दिन में हमने दो बार बनाया है, क्योंकि पहले मैंने बनाया था और जो मैंने आपको सुबह शॉट दिखाया और वो मैंने भेज दिया शोएब के सेट पे, और ऑब्वियसली हम भी तो खाएंगे यार। तो अभी मैंने दोबारा बनाया है और ये हम सब जो है मिलके खाएंगे। तो चलिए उससे पहले मैं, क्या बात है जजेस, आप कृपया करके एक साथ हमें बताइए कि झलक दिखला जा सीजन 11 का विनर कौन है। जी हाँ, मैं बहुत ही सोच समझ के ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने शुरू से ही जो झलक के सेट पे अपने बनाए हुए खाने पहुँचाए हैं, दावतें पहुँचाई हैं, उसके पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ ट्रॉफी पाने का था। लेकिन क्या करूं, अब लास्ट में आगे पता चला कि मनीषा रानी जीत गई है। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं, सब बहुत ही ज़्यादा। मेरे को जो चीज़ आ गई थी, जो भी मेरे को अच्छा अच्छा बनाना था, मैंने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, वो मैंने पहुँचाया। अब मैं उस बारे में बहुत पछता रही हूँ, क्या करूं? हाँ शोएब मेरे लिए वो ट्रॉफी जीत कर लेना चाहते थे, मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब लास्ट में आके मैं बहुत पछता रही हूँ वो सब करके। नौकरानियों की तरह मैं इतना लगी रहती थी, बहुत इतने लोगों का खाना बनाने कितना मुश्किल होता है आप सही से समझ सकते हो, पर वो ट्रॉफी मुझे नहीं मिली और साथ में मेरा सारा बनाया हुआ खाना, मेरी मेहनत सब चली गई। मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ गाइस, बस सब क्या करूँ आपको बताएं।